हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। टुडे आई हैव अ ग्रेट फ्रेंड विद मी, विजय शेखावत, आईपीएस। ही इज ऑन नाइट ड्यूटी विद मी एंड वी आर एंजॉयिंग स्नोफॉल आल्सो एंड वी हैव अरेंजमेंट फॉर दिस। लेट्स सी द अरेंजमेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वैक्सीन। इंडिया हैज अप्रूव्ड टू टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन्स, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। द कोविशील्ड वन इट इज़ मेड बाई द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, द ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका एंड दे हैव गिवन इट टू द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, विच इज द वर्ल्ड बिगेस्ट वैक्सीन मेकिंग सेंटर। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे, सॉरी नॉट एट हैदराबाद, एट पुणे। एंड दिस एफिकेसी ऑफ दिस वैक्सीन इज 70%। द सेकेंड वैक्सीन विच इज कोवैक्सीन दैट इज प्रिपेयर्ड बाई भारत बायोटेक। द एफिकेसी इज नॉट कन्फर्म्ड, द फेस ट्रायल इज नॉट कन्फर्म्ड, कॉन्ट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन, बट इंडिया हैज अप्रूव्ड दीज टू वैक्सीन्स। नॉर्मली द वैक्सीन, वट इज द वैक्सीन? नॉर्मली द वैक्सीन वी हैव दे मे बी इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया, इनएक्टिवेटेड वायरस, एटीन्यूएटेड वायरस एंटीजन, एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया एंटीजन्स, सम फॉर्म ऑफ लाइट डिजीज। बट दिस कोविड वैक्सीन इज नॉट दैट। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉट ए किल्ड वायरस और किल्ड बैक्टीरिया, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन दिस वैक्सीन वी आर यूजिंग मैसेंजर आर एन ए, गॉट इट? मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए इज इंजेक्टेड इन टू योर डेल्टॉइड। द डोज इज 0.3 ml, द फर्स्ट डोज, एंड द सेकेंड डोज इज ऑल्सो 0.3 ml आफ्टर 21 डेज, 3 वीक्स। हाउ इट वर्क्स मैसेंजर आर एन ए? लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। नॉर्मली व्हाट द मैसेंजर आर एन ए डूज इन आवर सेल, वी हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज डी एन ए। द मैसेंजर आर एन ए कोट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए एंड कम्स आउट। राइबोसोम्स कोट्स द मैसेंजर आर एन ए एंड फॉर्म्स द प्रोटीन। दिस इज द रोल ऑफ मैसेंजर आर एन ए। दिस मैसेंजर आर एन ए वायरस विच वी आर इंजेक्टिंग, इट कोट्स फॉर स्पाइक प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन कोरोना वायरस, विच आर प्रेजेंट ऑन कोरोना वायरस, कोरोना स्पाइक्स, स्पाइक्स एस। एंड वेन दिस एम आर एन इज इंजेक्टेड, इट गोज इन टू द राइबोसोम्स, कोट इट एंड मेक द स्पाइक्स प्रोटीन ऑन आवर बॉडी सेल्स। एंड दीज स्पाइक्स प्रोटीन ऑफ वायरस विच आर मेड इन आवर बॉडी सेल्स आर आइडेंटिफाइड, एंटीबॉडीज आर मेड अगेंस्ट देम, एंड दीज एंटीबॉडीज आर स्टोर्ड एज ए मेमोरी इन बी सेल्स, एंड वी गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोना वायरस। द कोरोना वायरस विल नॉट अटैक अस अगेन बिकॉज द एंटीबॉडीज हैव गॉट मेमोरी इन बी सेल्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। दिस वैक्सीन यू हैव टू फ्रीज इट एट -60 to -80 degree Celsius। दिस इज द फ्रीजिंग टाइम। नॉर्मली द आई एल आर टेम्परेचर इज 2 to 8 degree Celsius। एट दैट टेम्परेचर यू कैन स्टोर दिस वैक्सीन फॉर मैक्सिमम फॉर 5 डेज। एंड वंस यू आर यूजिंग वैक्सीन, फर्स्ट यू हैव टू थाव एंड डाइल्यूट एंड यूज इट विद इन 6 आवर्स एंड डिस्कार्ड आफ्टर 6 आवर्स। एंड हाउ टू यूज, यू नो द प्रोसीजर, वी हैव टू मेक द 3 रूम्स, वन वेटिंग रूम, वन ऑब्जर्वेशन रूम एंड वन वैक्सीनेटिंग रूम। वेटिंग रूम्स, the seating arrangement should be made in the waiting room with a proper distancing, and only one person will enter at a time in a vaccinating room, and the observation room is after getting the vaccine, patient has to kept in observation for 30 minutes so that the side effect of vaccine will not attack him. The side common side effect, there can be anaphylactic shock also. The anaphylactic kit should be available while giving the vaccines. There should